एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये क्या, मैं बिस्किट पे कॉफ़ी क्यों डाल रही हूँ? इन सारे वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहने पड़ेगा। इन तक चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते, देखते हैं आज की पहली टिप। बारिश के मौसम में ना, अगर पैकेट थोड़ा सा भी खोले एक घंटा बाद भी इसे रखते हो ना, बिस्किट जो है ना काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाती है। आपने देखा होगा सील जाती है, और ये जो सिले हुए बिस्किट होते हैं ना किसी को भी खाना पसंद नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं। बच्चे लोग तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। तो दोस्तों बिस्किट भी महंगे होते हैं, इसे आप ऐसे ही फेंक नहीं सकते ना। तो यहाँ पे करना क्या है, बिस्किट सिल गए हैं तो इसे ठीक करना है। कैसे ठीक कर सकते हैं चलिए मैं बताती हूँ। तवा जो है ना आपको गर्म करना है, या फिर रोटियाँ बनाते हैं उसके बाद भी तवा जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म रहती है। हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ तवा को गरम रखना, ठीक है? अगर नहीं है तो आपको गरम कर लेना। इस तरीके से एक पेपर, फॉइल पेपर रख देना, ठीक है? आप जितने भी आपके बिस्किट नरम पड़ चुके हैं ना, आपको इस तरीके से इस पर रख देना है। देखिए इसे आप बिछा करके इस तरीके से रख दीजिए, जितनी भी बिस्किट हैं। देखिए मेरे ये पैकेट खुले रह चुके थे, देखिए थोड़ी सी देर हुई रखने में, ये सारे बिस्किट जो है सील चुके हैं। अब इसे रखने के बाद हमें क्या करना है, इसे इसी से ढक देना। देखिए जितना हो सके आप ढक दीजिए, पूरे ढकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको इसे ढक के छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद देखिएगा दोस्तों, जैसे ही बिस्किट ठंडी हो जाएगी आपके जो है ना बिस्किट बहुत ही अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे, एकदम गर्मा गर्म आप इसे खा सकोगे। बिल्कुल अच्छे से ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे से कुरकुरे हो जाते हैं। ध्यान रहे इसको तवा को सिर्फ गर्म रखना है और इसे हमें पकाना नहीं है। अब इसे छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट में, देखिएगा इसके बाद ये सारे बिस्किट बहुत ही अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। होप करती हूँ ट्रिक पसंद आई हो। अब देखिए फ्रेंड हमारे बिस्किट तो बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, बिल्कुल क्रंची। ये देखिए कितने अच्छे से टूट रहे हैं ना। तो अगर आपके बिस्किट ऐसे सील जाते हैं ना, तो इस तरीके से आप बिस्किट को फिर से ठीक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके बिस्किट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सील जाते हैं, नमी पकड़ लेती है बारिश के दिनों में, तो इसे रखने के लिए हमें एक एयर टाइट कंटेनर लेना। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। जी हाँ दोस्तों, चीनी जो है ना इसमें नमी नहीं बनने देती है और बहुत ही अच्छे से बिस्किट को है क्रंची बनाए रखती है। त्रिस अगर चीनी डाल के रखते हो ना बिस्किट, तो कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। ये देखिए अब हमारा बिस्किट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो होप करती हूँ ट्रिक पसंद है। पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेरी अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वो है इस तरीके से कॉफ़ी से रिलेटेड। अक्सर कॉफ़ी जो होते हैं ना, या फिर डब्बे में लाइए या फिर पाउच वाले, अगर आप ज़्यादा दिनों तक इसे खोल के रख देते हो ना, यूज में नहीं आता है ना, तो क्या होता है, आपने देखा हो कि हमारे कॉफ़ी जो है जम जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, पत्थर से बन जाते हैं। अब वो समझिए कि एक्सपायर हो चुके हैं, उस तरीके से खाने लायक नहीं है। इस स्थिति में आप क्या करते हैं, कॉफ़ी को ऐसे ही फेंक देते हैं वेस्ट समझ के। लेकिन आपको अगर कॉफ़ियाँ जो है जम गई है, बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है ना, तो आप यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक कर, जिससे आपका कॉफ़ी भी वेस्ट नहीं जाएगी और आपके घर भी जो है बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए क्या करना है दोस्तों। तो दोस्तों जब कॉफ़ी ख़राब हो जाती है, बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है ना, फेंकने लायक है, तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से तवा गर्म कर लीजिए, ठीक है? तवा गर्म पे जो है ना आपकी कॉफ़ी ख़राब हो चुकी है उसे आपको रख देना। अब इसे अच्छे से जलाते रहना, ठीक है दोस्तों? इसे इतना जलाइए कि अच्छे से इसमें से धुआँ निकले। दोस्तों इस तरीके से हमें जलाना है। देखिए जलाने से इसमें से एक अच्छी धुआँ निकलती है। अब इस जो धुआँ है ना दोस्तों, इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। कॉफ़ी जब जलती है ना तो एक अच्छी सी धुआँ देती है। इसे आपको इस तरीके से जला देना है। देखिए आपके घर में जितने भी बैड स्मेल है ना, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, और आपके किचन में या फिर घर में जहाँ पर भी बैड स्मेल है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब पूरे घर जो एक अच्छी सी खुशबू से भर जाएगी, बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू जो है आती है। तो इस तरीके से आप जला लीजिए और इस तवे को जो है ना पूरे घर में आप घुमा दीजिए, ताकि पूरे घर में इसकी स्मेल जो है भर जाए। देखिए जितने भी बरसात की सीलन वाली बदबू है ना, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब सोच रही हूँ कि इससे हमारा तवा भी जल गया, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं होता है, हमारा तवा बिल्कुल भी जलता नहीं है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन का क्लीन ही रहता है। तो इस तरीके से जो है आप इसे यूज करके पूरे घर को अच्छे से महका सकते हो। होप करती हूँ ट्रिक पसंद आया, जरूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। आप हमारे चैनल को दुनिया के कौन से कोने देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मेरी आज की जो अगली टिप्स है फ्रेंड्स, वो है इस तरीके से फूल बत्ती से रिलेटेड। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि जब भी वो दिया में लगाते हैं फूल,
बत्ती लगाते हैं ना, तो उनकी बत्ती जो है ना इस तरीके से लुढ़कती रहती है और ये अच्छे से टिकती नहीं है। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब हम मार्केट से लेकर के आते हैं ना तो पूरी तरीके से ये गोल रहती है, ये कुछ इस तरीके से। कभी भी टिकाएंगे ना आप घी डाल के या तेल डाल के तो ये अच्छे से सीधी नहीं रहती है, धीरे धीरे जो है इस तरीके से पलट जाती है, हमारा दिया जो है बुतने का डर बना रहता है। यहाँ पर छोटी सी ट्रिक करनी है बस, देखिए ये जो दिया है ना इस तरीके से हमें बत्ती को थोड़ा सा इसे इस तरीके से खोल देना है, इसे एक बेस दे देना है। अब देखिए अब ये दिया बत्ती में जितना भी तेल डालेंगे घी डालेंगे ना बिल्कुल भी गिरेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से एक स्टैंड की तरह ये खड़ा रहती है। तो चलिए मैं आपको दिया बत्ती लगा करके दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से आप जितना भी घी डालेंगे ना ये बिल्कुल भी हिलेगी नहीं ना ही ये गिरेगी। तो इसे जब भी आपको लगाना है आप क्या कीजिए, एक बार में ही आपको ये सारे बत्तियों को आप खोल करके पैकेट में करके रख दीजिए या फिर घी में या तेल में डुबो करके रख दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से दम लग चुकी है, बिल्कुल भी हिलेगी डुलेगी नहीं, जितना भी आप इसे हिला लीजिए ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हटती नहीं है। बहुत ही अच्छे से इसमें घी भी चली जाती है और ये जितना देर चाहिए उतना देर जलती रहेगी। तो है ना ये कमाल के आइडिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको बस इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसे ढीला कर देना है, खोल देना है। ये देखिए हमारा बेस बन के तैयार हो जाता है। तो कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बताइएगा, आपको पता था नहीं पता था हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप का तो ट्रिक पसंद आए, पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।